उज्जैन के मक्सी रोड पर करीब 25 किलोमीटर दूर आसेर गांव के प्राचीन श्री राम मंदिर में 5 विद्वान पुजारी देवी मां का जाप और पूजा अर्चना कर रहे हैं ताकि गंभीर महामारी कोरोना वायरस का अंत हो जाए। उज्जैन से करीब 25 किलोमीटर दूर मक्सी रोड पर आसेर गांव में बड़ा ही प्राचीन श्री राम मंदिर है, जहाँ गाँव के स्थानीय ग्रामीण और भक्त श्री राम मंदिर में पहुँच कर पूजा अर्चना और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वहीं इस समय इस मंदिर के परिसर में 5 विद्वान पंडित शक्ति की देवी मां की पूजा अर्चना साधना और जप कर रहे हैं। गांव में ही निवास करने वाले पंडित अनिल शर्मा ने बताया कि हमारे धार्मिक ग्रंथ और पुराणों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर विपत्ति आने पर सच्चे मन कर्म और विधि विधान के साथ यज्ञ पूजन हवन भजन अनुष्ठान होते हैं तो कई प्रकार की बाधाओं को खत्म किया जा सकता है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आपका कहाँ रहते हैं? अच्छा, ये मंदिर कौन सा है? मंदिर श्री राम मंदिर है। कितना पुराना होगा और क्या रहता है? काफी प्राचीन काल का है। अच्छा, अभी यहाँ पर ये कौन सा अनुष्ठान चल रहा है, कितने दिन का है ये अनुष्ठान? यहाँ पे कोरोना महामारी के लिए पंडित अनिल शास्त्री जी ने चलाया है। अच्छा। कोरोना महामारी के निवारण के लिए। अच्छा, ये जो अनुष्ठान चलेगा माता रानी का जो है मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, आप मानते हैं कि इस महामारी पर जो है विजयश्री प्राप्त होगी और सब ठीक होगा? हमें पूर्ण विश्वास है, पूरे गांव वाले को विश्वास है कि इस मंत्र से महाकाल राजा और महारानी से निवारण हो सकता है हमारा। आप आते हैं यहाँ पर? हाँ, डेली। जी बताइए, यह कौन सा स्थान है और अभी यहाँ पर ये जो अनुष्ठान है, ये जो जप है, कौन सा किया जा रहा है और कितने दिनों तक होगा ये? इस वक्त हमारे देश में जो महामारी चल रही है, हमारा देश बहुत विपत्ति के दौर से गुजर रहा है, तो हमने ये विचार किया कि बैठ करके हम क्या कर सकते हैं हमारे देश के लिए। तो एक ही गुरुदेव भगवान का आदेश हुआ कि जितना हो सके महामंत्र का जाप किया जाए। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आया है, अगर उस श्लोक का कोई श्रद्धापूर्वक पाठ करता है तो कितनी ही बड़ी क्यों ना महामारी हो, उस महामारी का विनाश हो जाता है। वो श्लोक इस प्रकार है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यह दुर्गा सप्तशती का श्लोक है। अगर इस श्लोक का संपूर्णित लगाकर पाठ किया जाए तो महामारी पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दूसरा, महामृत्युंजय का जप करने से महामारी पर विजय प्राप्त की जाती है। करीब कितने दिन तक ये चलेगा? और ये एक मास तक, एक महीने तक चलेगा यह अनुष्ठान। 5 ब्राह्मण मिलकर के इस अनुष्ठान को करेंगे और इसका एकमात्र लक्ष्य ये है कि जो हमारे मित्र भाई बंधु हमारे देशवासी जो इस विपत्ति में पड़े हुए हैं वो जल्दी से जल्दी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं, सुरक्षित रहें, उसी के लिए अनुष्ठान हम कर रहे हैं। ये हमारे गांव ठिकाना आसेर, ये हमारी जन्मभूमि है। आसेर श्री राम मंदिर में यह अनुष्ठान चल रहा है 5 ब्राह्मणों को मिलाकर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।